समाज सेवा में रत प्रतिष्ठित व्यवसायी, सरल हृदय, हसमुख, शांतचित स्वभाव एवं मिलनसार, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए धार्मिक विचारों वाले सुप्रसिद्ध समाज सेवी श्री मुकेश कुमार गर्ग जी। फर्म सरस्वती ट्रेडर्स, आप अरहर दाल के निर्माता हैं। आपकी फर्म सन 1987 से नया बाजार दिल्ली में कार्यरत है। अपने 54 वर्षों के आधार पर व्यापारिक व सामाजिक कार्यों में रत अमर ज्योति डायरेक्टरी एवं जैन संजोग पत्रिका के संपादक श्री हनुमानमल जैन गोलछा आपको अग्ररत्न की उपाधि से विभूषित करते हुए। आदरणीय व्यापारी भाइयों से हनुमानमल जैन गोलछा का सादर नमस्कार। व्यापारी भाइयों, आज ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवा रहा हूँ, उस व्यक्ति से, और मेरा ये प्रथम अवसर है कि किसी के निवास स्थान पर जाने का मौका मिल रहा है। अभी तक नया बाजार में लगभग 100 से ऊपर मैं साक्षात कर चुका हूँ महानुभावों का। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मुझे इनके निवास पर आना पड़ गया। ये खींच रहा है इनका प्यार स्नेह, और इनका स्नेह इसलिए है कि हम 1980 से इनका हमारे परिचित में है, और इनका हंसमुख चेहरा, मिलनसार 1980 से देखता आ रहा हूँ, और 1990-91 में भूल ना कर रहा हूँ तो 1990-91 में हमारा ऑफिस बराबर में था नया बाजार में 4064 में, और इन्होंने भी मेरे ख्याल से सुनाया करते थे ये कि ज्ञानचंद, विनोद कुमार, राम गोपाल, परशुराम और सत्यपाल जी जो के गुरु बनते थे, ये ऐसे कई बार चर्चा आती रही, वो चर्चा आती रहती थी। इन्होंने जीवन में ढोकरी से शुरुआत करी और मेहनत परिश्रम उससे आगे बढ़ते गए। आज उस व्यक्ति का नाम लेते मुझे गर्व हो रहा है। नाम है श्री मुकेश कुमार गर्ग, जो सरस्वती ट्रेडर्स के नाम से अभी फर्म है। आप खुद बताएंगे कि इन्होंने जीवन में किस तरह का आगे बढ़े, और मेरे प्रति इनका इतना स्नेह रहा। मैंने कहा मुकेश बाबू, मेरा मन कर रहा है कि आपके निवास स्थान पर, तो इन्हें हंसते हुए कहा इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, आइए इसे बहाना बैठना हो जाएगा। एक सेकंड ही लगाया उन्होंने। ऐसे व्यक्ति का परिचय मैं आपसे लोगों से साक्षात करवा रहा हूँ। मुकेश बाबू जी नमस्कार। नमस्कार, और क्या हाल चाल है साहब? ठीक ठाक, बढ़िया बढ़िया। मैं मुकेश कुमार गर्ग, सरस्वती ट्रेडर्स, 3973 नया बाजार। मेरा जीवन परिचय यही है कि मैं नया बाजार में सन 80 में आया। मैंने 2-3 साल मुनीमी करी, फिर 5 साल मैंने, हमारे उस्ताद जी हैं, गुरु जी हैं हमारे, सतपाल जी, सतपाल योगराज फर्म है। आज मैं जो भी हूँ आज उनके आशीर्वाद से हूँ। मैंने उनके पास बड़ी मेहनत से काम किया। मेरे जीवन को अगर किसी ने सदमार्ग दिखाया है, जीवन के अंदर ईमानदारी और निष्ठा और बिल्कुल सत्यता जो मुझे सिखाई है, वो मेरे उस्ताद जी ने सिखाई है, सतपाल जी ने। मैं आज जो भी हूँ आज उन्हीं के पद चिन्हों पे चल करके मैं यहाँ तक आया हूँ। और हनुमान जी से हमारा संपर्क लगभग 1987 से रहा जी, 32 साल हो गए। हनुमान जी जन जन की सेवा में है, अमर ज्योति डायरेक्टरी प्रकाशित करते हैं, कोई लालच नहीं है, किसी प्रकार का कोई स्वार्थ नहीं है। सबसे बड़ी बात इनका जो प्यार प्रेम, जो इनका स्नेह है, किसी के भी सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं, बिल्कुल एकदम। किसी का कोई भी काम हो, चलो भाई मैं चलता हूँ, कहीं संस्था का काम है, कहीं समाज का काम है, कोई भी काम है, बिल्कुल एकदम रेडी रहते हैं। और मैं हनुमान जी का बहुत बहुत आभारी हूँ ये आए। अभी आप फर्म में अकेले काम कर रहे हैं या आपका फर्म में? हम दोनों भाई हैं, मेरा एक मेरा छोटा भाई है नीरज कुमार गर्ग, और मैं, हम दोनों भाई हैं। एक हमारी दादमिल है भवाना में लक्ष्मी फूड के नाम से, और ये दुकान पे आड़त का काम है और चुगाई का भी काम है, राजमा काबली की चुगाई करा के बेचते हैं। तो राजमा काबली का मेन काम है, पूरा 1987 से राजमा काबली का काम हमने किया हुआ है, चुगाई का। हाँ जी हाँ जी, हाँ जी हाँ जी, राजमा काबली मुख्य रहा है जी, और अभी आड़त पे काम है, चना काबली चना राजमा वगैरह सब हमारी दुकान पे बिकने के लिए आता है। धन्यवाद जी। देखा व्यापारी भाइयों, कितना संक्षेप में किस तरह से मुझे ये कह सकता हूँ, जमीन से उठे हुए ये कह सकता हूँ मैं,
जमीन से उठ करके आसमान की तरफ बढ़ रहे हैं, ऐसे व्यक्ति का मेहनत के साथ और अपने गुरु को नहीं भूले, अपना भी गुरु का नाम शब्दों में लिया है, ऐसे व्यक्ति का अभिनंदन करते हुए मुझे खुशी हो रही है। अमर ज्योति डायटी परिवार, जैन संजोग पत्रिका परिवार एवं समस्त हमारे जितने भी परिचित लोग हैं उनकी तरफ से इनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समारोह में इनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि जो मेरा एक ये 53 साल का जो मैंने दिल्ली नया बाजार में लगाया है वो समापन की ओर है, उसमें मैं यहाँ निवास स्थान पर आकर पहली बार इनको आमंत्रित कर रहा हूँ जो कि ये अवश्य आशीर्वाद देंगे, अपनी शुभकामनाएं देंगे। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद,